हल्के हाथों के साथ डिफेंस के साथ में खेला था वहां पर, जब तक कि खुद फॉलो थ्रो में फील करते एक रन पूरा किया, दोनों ही बल्लेबाजी ने अपना टीम का खाता खोला वहां पर इस एक रन के साथ। और इस मरतबा अच्छी गेंद डॉट बॉल, पहले गेंद पे सिंगल आने के बाद दूसरी गेंद डॉट बॉल, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, तीसरी गेंद लेके केशव राइट राउंड विकेट। और इस मरतबा अच्छा शॉट और खराब फील्डिंग वहां पर, गैप में खेला हुआ शॉट जरूर था लेकिन गेंद तक बिल्कुल पहुंच चुके थे वहां पर, लेकिन आखिरी क्षणों में ये गेंद ने बाउंड्री लाइन को चीरते हुए बाहर जाते हुए 4 रन के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 5 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, पहला ओवर जारी, पावर प्ले का ओवर, आखिरी 3 गेंदें आना शेष है। पहला गेंद पे सिंगल आया था, फिर डॉट बॉल और फिर एक चौका, और इस मरतबा कैच जरूर चांस था वहां पर केशव के पास से, लेकिन ड्रॉप हुआ है वहां पर। देखना है अब हल्के हाथों के साथ में यहां पर अपने इनिंग को आगे बढ़ाते हुए, डी जोन में गई है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। इस एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन, 1-2 को आखिरी गेंद आना शेष, पहली ओवर की आखिरी गेंद। फिर से एक बार हल्के हाथों के साथ में सम्मान के साथ में ढकेला, फिर से एक बार आखिरी गेंद पे 1 रन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है यहां पर। दत्ता गुरु का टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 7 रन, बिना कोई विकेट खोए, अभी तक विकेट नहीं खोया पहले ओवर में, अच्छी बात है। अब आने वाले 3 ओवर में यहां से ज्यादा रन बनाना पड़ेगा दत्ता गुरु को, क्योंकि टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी की दावत दी यहां पर साई कृपा डांडा ने। तो उस को अब ध्यान में रखते हुए यहां से अब दोनों ही बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। अनिकेत और अमित आए बल्लेबाजी के लिए इनिंग का आगाज करने के लिए, टॉस हारा था वहां पर, पहले बल्लेबाजी का मौका मिला यहां पर दत्ता गुरु को, तो उस का फायदा देखना है कब तक और कहां तक उठा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अमित और अनिकेत। और इस मरतबा अच्छी गेंद वहां पर, और इस मरतबा डिफेंस किया वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट तो नहीं बल्लेबाज। इस मरतबा अच्छी गेंद डॉट बॉल रह गए, केतन आया दूसरे ओवर लेके, ओवर द विकेट इस मरतबा टैप किया वहां पर, लेकिन पिया के हाथ में गेंद जब तक के थ्रो करते वहां पर 1 रन पूरा किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, आखिरी गेंद, 11 रन आउट का चांस होगा लेकिन नहीं, जब तक के फील्डर फील्ड करके थ्रो करते 1 रन पूरा किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर दत्ता गुरु का 2 अंकों में 10 रन। सोहम आए तीसरी ओवर लेके, दो ओवर हो चुके, स्कोर है 10 रन। इस मरतबा खराब गेंद, अंबर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त गेंद से शुरुआत की वहां पर सोहम ने, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस मरतबा फिर से एक बार खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, रूल नंबर 22 इट्स अ वाइड। इस मरतबा पहली इलीगल डिलीवरी वहां पर, डॉट बॉल रहेगी, एक गेंद हो चुकी है सोहम की, 3 रन अभी तक खर्च किए, और फिर से एक बार खराब गेंद, अपनी लाइन और लेंथ से बिल्कुल भटकते वहां पर सोहम, पिया को समझाते हुए सोहम को, स्कोर जहां पहुंचा है 13 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। इस मरतबा अच्छा शॉट जरूर था वहां पर अमित के बल्ले से, सॉरी अनिकेत के बल्ले से, लेकिन एक ही रन से वहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। साइड चेंज किया, छोर बदला है अपना, लेकिन फिर से एक बार खराब गेंद सोहम की, अभी तक 4 वाइड अपने इस ओवर में कर चुके सोहम, 2 गेंदे फेंकी जिसमें से अभी तक 5 रन खर्च किए। और इस मरतबा अच्छे फील्डिंग वहां पर,
अच्छा शॉट जरूर था लेकिन उन्होंने अच्छे फील्डिंग, एक रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं दिया वहां पर फील्डर ने, जब तक कि थ्रो आता वहां पर एक रन पूरा किया, स्कोर एक रन के साथ अब पहुंचा है 16 रन। अब डॉट बॉल, चार गेंदे हो चुकी है, अब टू टू गो, इस मरतबा टैप किया है वहां पर, जब तक केतन फील्ड करते थ्रो करते एक रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, अब एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17। आखिरी गेंद आना शेष 1-2 गो, इस बार भी अच्छा शॉट था वहां पर लेकिन एक रन से ज्यादा नहीं। अब तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद बिना कोई विकेट गवाए स्कोर दत्तक रू का 18 रन। अब आखिरी ओवर लेके बॉलर अम्मार सामने अनिकेत, आखिरी ओवर इस इनिंग की पहली गेंद और उसके सामने अब पहला विकेट गिरता हुआ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अम्मार ने अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रो दिलाते वहां पर पहला विकेट, अनिकेत कैच आउट होकर बैक टू द पवेलियन। हेलो, अच्छी गेंद थी वहां पर लेकिन सिंगल से नहीं रोक सकेंगे वहां पर अम्मार, इस एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 19 रन, जबकि चौथा और आखिरी ओवर प्रगति पथ पर। राइट अब राउंड विकेट लेग साइड में खेला हुआ शॉट, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते एक रन मुकम्मल वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों का, एक बाउंड्री तलाश करनी पड़ेगी यहां से, अभी तक 20 रन जरूर बन चुके हैं लेकिन एक बाउंड्री की तलाश जरूर रहेगी दोनों ही बल्लेबाजों को। अंपायर नो रन, ओके डॉट बॉल, इस मरतबा टैप किया वहां पर अम्मार, जब तक खुद फॉलो थ्रो में फील्ड करते एक रन मुकम्मल। अब आखिरी गेंद 1-2 गो, स्कोर है अब 21 रन एक विकेट के नुकसान पर 1-2 गो, इस बार अच्छा शॉट एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए दौड़े और रन आउट का खतरा आ रही है, इसी के साथ में रन आउट आखिरी गेंद पर रन आउट साथ, अब दो विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद 22 रन बना पाई है दत्तक ग्रुप की टीम, क्योंकि मैच साई ग्रुपा बी को जीतना है यहां से तो फिर 24 गेंदे और 23 रन। तो इस रनों का लक्ष्य रखा यहां पर साई ग्रुपा बी के लिए, पहले टॉस जीता था साई ग्रुपा बी ने, फील्डिंग करने का फैसला किया था, 22 रनों पर रोक दिया है तो यहां से इस मैच को जीतना है अब तो फिर 23 रन बनाने होंगे, 24 गेंदे आपके पास 23 रन की जरूरत है। मेरे साथ ही स्कोरर जो कि 3 दिन लगातार और आज का चौथा ये दिन है, अब रात चल रही है, कंटिन्यू स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे यहां पर सिद्धू, सिद्धू बोरकर, मैं उनका भी जय गणेश मित्र मंडल की जानिब से शुक्रगुजार हूं क्योंकि कमेंट्री के लिए भी अहम भूमिका रहती है स्कोरर की, उसी को अंजाम देते हुए यहां पर सिद्धू बोरकर अंपायर गेम को स्टार्ट करे, फील्डिंग सजा ले अपनी दत्तक ग्रुप, 22 रनों पर रोका है साई कृपा ने, इस मैच को जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है, 24 गेंदे 23 रन, उसी का पीछा करने के लिए वहां पर पिया और केशव, इनिंग का आगाज करने के लिए वहां पर सलामी के बल्लेबाज है दोनों क्रिस पे नमूदार। इस मेगा फाइनल के नाइट का पहला मुकाबला खेला जा रहा है यहां पर इस टूर्नामेंट का, आज आखिरी रात इस टूर्नामेंट की,
हेलो बॉलर नेम कौस्तुभ, पहली ओवर लेकर कौस्तुभ सामने पिया। इनिंग का आगाज करने के लिए वहां पर 23 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पिया और केशव। साई कृपा बी की जानिब से सलामी के बल्लेबाज, कुछ ये फील्डिंग में चेंजेस किया है यहां पर। अभी तक एक गेंद जरूर हुई नहीं है, लेकिन पहले जो फील्ड थी अब उसको चेंज करते हुए वहां पर पिया। राइटम ओवर द विकेट से पिया के लिए पहली गेंद, पहली गेंद, अच्छी गेंद, डॉट बॉल, अच्छी गेंद से शुरुआत की वहां पर पिया और केशव आए बल्लेबाजी के लिए। अब देखना है दूसरी गेंद पिया के लिए। इस मरतबा सम्मान के साथ में ढकेला एक रन वहां पर, एक रन के साथ अपने अपना और टीम का खाता खोला वहां पर पिया ने। 23 रन की जरूरत है आपको, अगर आसानी से मैच यहां से जीता जा सकता है, अगर सोच समझ कर दोनों ही बल्लेबाजी अगर बल्लेबाजी करे तो, दोनों ही बल्लेबाज विकेट अगर गवाएगी तो फिर यहां से मैच मुश्किल होगा। इस मरतबा टैप किया वहां पर, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, इसी बीच एक रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। जैसी बॉल छूटा वहां पर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब केशव ने अपना खाता खोला एक रन के साथ, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। इसी के तरीके से 3 गेंदे, अब 4 गेंदे हो चुकी है, 2 रन। पहला गेंद डॉट गेंद, फिर सिंगल, फिर सिंगल और फिर डॉट। इस मरतबा अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे पिया, कोई रन नहीं मिलेगा। 1 to go, आखिरी गेंद आना चाहिए, स्कोर है 2 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले का ओवर लेके आए थे कौस्तुभ, अभी तक बिल्कुल बांध के रखा है पिया को। 3 गेंदे डॉट और आखिरी गेंद भी डॉट, इस तरीके से 4 गेंदे यहां पर डॉट आई है इस पहले ओवर में, स्कोर 2 रन। 23 रनों का लक्ष्य अभी भी जीत के लिए 18 गेंदे और 21 रन की जरूरत, 18 गेंदे 21 रन। निशांत आए दूसरी ओवर लेके, पहली गेंद, पहली ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी कौस्तुभ की जानिब से देखने मिली थी, अब उसी को कंटिन्यू करने के लिए निशांत इसी तरीके की गेंदबाजी कर पाएंगे या इस ओवर में हाथ खोलेंगे केशव और पिया, देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 23 रनों का लक्ष्य है। अब मैच बना जो है अब 18 गेंदे 21 रन, क्योंकि पहली ओवर में सिर्फ गेंदबाजी की थी कौस्तुभ ने, सिर्फ 2 रन दिए थे, उसी के चलते अब मैच आ पहुंचा है 18 गेंदे 21 रन। पहले 24 गेंदों में 23 रन की जरूरत थी, अब 18 गेंदे 21 रन। कैसे रंग बदलता है क्रिकेट, इसीलिए क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी गेंद तक। इस मरतबा अंपायर से वाइड की दाद मांगी, लेकिन अंपायर ने उसे नकारा। पहली गेंद डॉट गेंद, अब थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ यहां पर साई कृपा बी के ऊपर। जरूर लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन ऐसी मैचेस यहां पर हाई वोल्टेज देखे हमने कल भी और पिछले 2 दिनों में भी। इस मरतबा अच्छा शॉट, उसे बीच का रन आउट का चांस है, लेकिन नहीं, स्टंप पे जरूर थ्रो किया था, लेकिन अच्छी रनिंग वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब 1 रन के साथ धीमी गति के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। इस मरतबा कट कर दिया है पिया ने, 1 रन बैट कट, 1 रन मिलेगा वहां पर, डी जोन में गई है गेंद, 1 रन मिलेगा। 3 गेंदे हो चुकी है, अभी तक 2 रन दिए है निशांत ने। इस मरतबा पिया का अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो, जब तक कि फील्ड करके थ्रो आता गेंदबाज के पास, 1 रन इसी बीच पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब केशव यहां से जरूर बाउंड्री की तलाश रहेगी दोनों ही बल्लेबाजों को, और इस मरतबा अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन सीधा स्टंप पे जा लगी। जरूर बाउंड्री होती है, बिल्कुल स्ट्रेट में शॉट था, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खेला था वहां पर
केशव ने, लेकिन थोड़ा सा वहां पर स्टंप आड़े आता केशव के। अब वन टू गो, आखिरी गेंद। अच्छा शॉट पे आगा वहां पर, लेकिन जब तक अनिकेत फील्डिंग करते वहां पर एक रन आखिरी गेंद, बस दो ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद पे एक रन से स्कोर आगे बढ़ा है 7 रन। अभी तक विकेट जरूर नहीं खोया, लेकिन मैच यहां से थोड़ा सा दूर निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले 12 गेंदे और 16 रन, थोड़ा सा लंबा यहां से मैच हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन क्रिकेट आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम गणेश, तीसरी ओवर लेके गणेश पिया के लिए इस मर्तबा सीधा फील्डर के हाथ में तीसरी ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद। अब प्यार इसी के साथ आउट, पहला झटका लगता हुआ यहां पर पिया आउट होकर पाकुदा पवेलियन है, उनकी जगह संभालने के लिए अब कौन जाता है। गेंद डॉट, उसके बाद में एक विकेट मिला है पिया का, अपना पहला विकेट यहां पर। गणेश के लिए पूरा विकेट लेते यहां पर गणेश, स्कोर है 7 रन। अभी 10 गेंदों में 16 रन की जरूरत, 10 गेंदे 16 रन। और इस मरतबा अच्छा शॉट आते यहां पर खाता खोला चौके के साथ उसामा ने, वो फुलटासन की गेंद थी बिल्कुल वहां पर फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ अब स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 11 रन। इसी बीच खराब गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त गेंद। मैंने पहले कहा था क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, अब से थोड़ा सा गेम आसान होता हुआ साई कृपा बी के लिए, स्कोर जहां पहुंचा है 13 रन। फिर से एक बार अच्छा शॉट लेंगे, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तेरह रन। वन टू गो, आखिरी गेंद आना शेष, स्कोर 13 रन। और इसमें अच्छा शॉट केशव का, 4 रन मिलेगा यहां पर। पेंडिंग है यहां पर, देखना है शायद से थोड़ा सा पैर लाइन टच हुए वहां पर, अंपायर का ऐसा मानना है। ओके, इट्स अ लीगल डिलीवरी, 4 रन मिलेगी। अब 4 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है साई कृपा बी का 17 रन। अब 6 गेंदे 6 रन। गणेश आए थे गेंदबाजी के लिए, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं, क्योंकि 2 ओवर में सिर्फ 5
सात रन थे, उसके बाद 10 रन दिए अपने इस ओवर में गणेश ने, स्कोर को पहुंचा दिया 17 रन पर। मैच थोड़ा सा लंबा हो चुका था, लेकिन अब फिर से एक बार साई ग्रुप अब बी के लिए थोड़ा आसान होता हुआ यहां पर। अब 6 गेंदे 6 रन, यहां से अगर 6 रन बनते हैं तो फिर साई ग्रुप बी मैच विन, 5 रन बनते हैं तो फिर पहला ही मैच सुपर ओवर देखने मिलेगा। अगर 5 रन भी नहीं बनते तो फिर यहां से दत्त गुरु मैच विन। देखना है आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा यहां पर इस मेगा फाइनल नाइट का पहला मुकाबला, साई कृपा बी और दत्त गुरु। टॉस जीता था, 22 रनों पर रोका था, तो उसी के चलते साई कृपा बी ने अभी तक 17 रन बना दिए 3 ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत आए गेंदबाजी के लिए, चौथी और आखिरी ओवर, 6 गेंदे 6 रन। सामने उसामा, एक बाउंड्री जो कि शानदार एकदम कड़ा शॉट लगाया था उसामा ने। इस मरतबा फिर से एक बार अच्छा शॉट, उन्होंने अच्छी फील्डिंग जब तक के थ्रो करते वहां पर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 5 गेंद और 5 रन की जरूरत, 5 गेंदे 5 रन, एक रोमांचक मुकाबला, पहला ही मुकाबला यहां पर काफी रोमांच भरा नजर आ रहा है, सभी दर्शकों को मजा आ रहा है इस मैच को देखकर। 5 गेंदे 5 रन, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, इस मेगा फाइनल नाइट का पहला मुकाबला यहां पर आज खेला जा रहा है, साई कृपा बी और दत्त गुरु। अनिकेत इस मरतबा गलती कर बैठे वहां पर, गलती नहीं करनी आपको, आखिरी क्षणों में हमने कल भी देखा था एक्स्ट्रा गेंदे की थी यहां पर और मैच हारना पड़ा था, तो इसी का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा इस मरतबा। अच्छी गेंद जरूर है, डॉट बॉल, अब 4 गेंदे और 4 रन, एक वाइड जरूर फेंके लेकिन उसके बाद एक डॉट बॉल। इस मरतबा फिर से एक बार डॉट बॉल, अंपायर से वाइड की दाद जरूर मांगी लेकिन अंपायर ने उसे नकारते हुए इट्स अ डॉट बॉल। अब 3 गेंदे और 4 रन, 3 रन बनते यहां से 3 गेंदों में तो फिर सुपर ओवर डिक्लेयर मिलेगा यहां पर, डी जोन में गई गेंद 1 रन। अब 2 गेंदे और 3 रन, काफी रोमांचक मुकाबला यहां पर, 2 गेंदे और 3 रन, क्या होगा यहां पर 2 गेंदों में, कौन जीतेगा। और इस मरतबा आउट, अब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ते हुए यहां पर, अब 1 गेंद और 3 रन, कौन आएगा बल्लेबाजी के लिए यहां पर, 1-3 रन की जरूरत इस मैच को जीतना है, टाई करना है तो फिर 2 रन, कम से कम 2 रन यहां से बनाने होंगे। और अनिकेत को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई गलती नहीं करनी, अगर वाइड या नो आता है तो फिर मैच का रुख फिर से एक बार पलट जाएगा, क्योंकि एक वाइड आपने इस ओवर में पहले कर चुके। अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे अगर वाइड या नो आता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी। अभी दिक्कत तो फिलहाल यहां पर नजर आ रही है साई कृपा बी के लिए, क्योंकि अब 1 गेंद में 3 रन की जरूरत है, क्या 3 रन बनेंगे, 2 भी बनते हैं तो मैच फिर सुपर ओवर में चला जाएगा, लेकिन अगर 2 भी नहीं बने तो फिर साई कृपा बी मैच को हार जाएगा। लेकिन अभी भी गेम इज ऑन, 1 गेंद और 3 रन, कुछ भी हो सकता है, नो वाइड भी इस गेंद पर आता है तो फिर और रोमांच आएगा इस मैच में। सिद्धेश आए बल्लेबाजी के लिए आखिरी गेंद खेलने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, अनिकेत आखिरी गेंद लेके, आखिरी गेंद और अंपायर डेड बॉल, ओके बैट्समैन तैयार नहीं थे वहां पर, लेकिन बता रहा चलो ये गेंद अगर बैट्समैन तैयार होते तो फिर वाइड गेंद होती, अगर ये वाइड गेंद होती तो फिर रोमांच बढ़ता। फिर से एक बार, अभी भी कुछ भी हो सकता है, आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट,
एक गेंद और तीन रन, सिद्धेश है बल्लेबाजी के लिए और इस मरतबा वाइड बॉल। मैंने पहले ही कहा था कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट कब रंग बदलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। कल इसी तरह के मैच हमने टीम को हारते हुए देखे आखिरी क्षणों में, थोड़ा सा वहां पर प्रेशर में आते हुए। अब एक गेंद और दो रन, अब एक रन भी यहां से बनता है तो फिर सुपर ओवर में चला जाएगा यह मैच। क्या मेगा फाइनल के नाइट का पहला सुपर ओवर देखने मिलेगा यहां पर सभी दर्शकों को। आखिरी गेंद, फिर से एक बार वाइड बॉल। ये होता है क्रिकेट, इसी को क्रिकेट कहते हैं। कोई भी जीते लेकिन जीत तो आखिर में क्रिकेट की ही होनी है। अब एक गेंद और एक रन, छह गेंदों में छह रन की जरूरत थी। उसके बाद पहली गेंद पे सिंगल आया, फिर वाइड, उसके बाद दो गेंदें डॉट निकाली थी वहां पर, फिर एक सिंगल आया था। अब कंटिन्यू, उसके बाद एक विकेट भी मिला था वहां पर केशव का, लेकिन उसके बाद दो वाइड और इसी तरीके से मैच अब आ पहुंचा है एक गेंद और एक रन। अभी भी गेम इज ऑन, एक रन नहीं बनता तो फिर सुपर ओवर, बनता है तो फिर साई कृपा भी मैच विन। आखिरी गेंद और इसी के साथ है मैच जीत गया साई कृपा बी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन साई कृपा। मैंने पहले ही कहा था कि मैच कौन जीतेगा आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल भी ऐसी ही खराब गेंदबाजी आखिरी क्षणों में यहां पर की थी दूसरी भी टीमों ने और उसका खामियाजा मैच हार कर करना पड़ा था। उसी तरीके की कुछ गेंदबाजी अनिकेत की जानिब से देखने मिले आखिरी क्षणों में, अपने दिशा लाइन से भटकते वहां पर तीन गेंदे वाइड फेंकी अपने इस ओवर में और साई कृपा बी को मैच जीता दिया उन्होंने। राजा